और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदय तिथि पंचमी दिन शुक्रवार, पंचमी तिथि आज दोपहर 12:32 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी, आज शाम 7:07 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है, अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज सुबह 9:20 से शुरू होकर कल दोपहर 12:18 तक सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। इस योग के दौरान शुरू किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफल जरूर होते हैं। साथ ही आज सुबह 9:20 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा हम कल ही कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अतः पुनर्वसु नक्षत्र भी धन और सौभाग्य का सूचक है। इसका अर्थ है पुनः धनी या सौभाग्यशाली होना। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकस को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी भी होगी। लिहाजा अगर आप भी अपने सौभाग्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आज आपको पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़े कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। आज अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप कौन कौन से उपाय करके फ़ायदा उठा सकते हैं, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में ऑफिस या दुकान के आप मुख्य द्वार के ऊपर बांस के 6-6 इंच के 2 टुकड़े लगाइए और ध्यान रहे कि उसके दोनों सिरे खुले हुए होने चाहिए। अगर बांस न मिले तो बांस से बनी बांसुरी को उपयोग में ला सकते हैं और उनके साथ एक मोर का पंख भी लगा दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके नए काम में तरक्की ही तरक्की होगी। अगर आप अपनी कला को निखारना चाहते हैं तो आज आपको उचित स्थान पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और वहीं पास में ही एक छोटी सी रंगोली बनानी चाहिए। आप देवी माँ के सामने उस रंगोली के बीचों बीच एक घी का दीपक जलाइए और देवी माँ की विधि विधान से पूजा कीजिए। साथ ही अपने हाथों से ताजे फूलों की माला बनाकर देवी माँ को चढ़ानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी कला निखरेगी और समाज में आपका नाम बढ़ेगा। अगर आप अपने मनपसंद जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं और उसमें कोई अड़चन आ रही है या फिर आपकी कन्या के विवाह में कोई परेशानी है तो पुनर्वसु नक्षत्र में श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करें। संभव हो तो स्फटिक की माला से जप करें और जाप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पिसी हुई शक्कर का भोग लगाएं, पंजीरी का भोग। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज स्नान आदि के बाद मंदिर जाकर भगवान को पुष्प अर्पित कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर भगवान से मनचाही सफलता पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर खूब मेहनत के बावजूद भी आपको पैसों के मामले में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद विधिपूर्वक धूप दीप से देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद देवी माँ का ध्यान करते हुए चावल से हवन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत के अनुसार पैसों के मामले में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आप अपने लक्ष्य को ऊंचे मुकाम तक ले आना चाहते हैं तो आज पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान मंदिर या किसी धर्म स्थल पर चने की दाल दान करें। साथ ही गुरु के मंत्र का 21 बार जप करें।
मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य को ऊंचे, आप अपना ऊंचा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपके घर में धन दौलत तो बहुत है, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं है, तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में दो बांसुरी लेकर उसे अपने घर की बीम के दोनों तरफ लाल कपड़े के फीते से बांध दें और ध्यान रहे कि बांसुरी का मुंह आपके घर के मुख्य दरवाजे की ओर रहे। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार के आपसी संबंधों में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा। अगर आप अपने कामों की गति को बनाए रखना चाहते हैं या अपने किसी खास काम की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज एक सफ़ेद कोरा कागज और केसरिया सिंदूर लीजिए। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसे सफ़ेद कोरे कागज पर भगवान राम का नाम लिखिए। राम राम राम, इस तरह 11 बार राम नाम लिखना है। लिखने के बाद उस कागज़ को अच्छे से सुखा लें और सूखने के बाद उस कागज़ को मोड़ कर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके कामों की गति बनी रहेगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं तो आज सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर लेप बना लें और मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान की तस्वीर को उस लेप से तिलक लगाएं। इसके बाद बचे हुए लेप से अपने जीवन साथी के और अपने मस्तक पर भी तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। अगर आप अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं तो आज पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान घर के आसपास किसी मंदिर या स्थल की साफ सफाई में अपना योगदान दीजिए। साथ ही बृहस्पति के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने में सफल होंगे। और अगर आप अपने घर और कारोबार को की लक्ष्मी को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं या कहें उसे सिद्ध करना चाहते हैं तो आज आपको देवी लक्ष्मी के आगे, माता लक्ष्मी जी के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें शक्कर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही देवी माँ के चरणों में 5 कौड़ियाँ रखिए और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके देवी माँ की का ध्यान करते हुए स्फटिक की माला पर 108 बार माता के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस प्रकार मंत्र का जप करने के बाद देवी माँ के चरणों में रखी कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज धित योग, रवि योग और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।